Good afternoon to all the dearest one. From Dr. Amina classes, Dr. Amina HOD chemistry, आपके लिए फिर बहुत बढ़िया सेशन लेके आ रही हूँ आज मैं. वो सेशन हमारा जो पिछला क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, उसके मैंने आपको एक या दो न्यूमेरिकल करवाए थे और बोला था कि इसके और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे. तो आज का सेशन जो हमारा होगा उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, तो हमारा सेशन क्या होएगा आज का, न्यूमेरिकल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये हम जो है आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे और ये हमको आज करना है. ठीक है, तो इस सेशन में हमने कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मतलब तैयार करे हैं, उसको हम करेंगे. बट उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सारे लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हमारा जो मतलब 12th बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है वो रिमार्केबल है. टॉपर ने के परसेंटेज 97 है और 99 उसके केमिस्ट्री में है, 99 मैथ्स में है और लाइन लगी हुई है 95 अबव की. तो आप बहुत खुश हैं, बहुत मतलब लकी हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको ये रिज़ल्ट हम 30 साल से लगातार ऐसा दे रहे हैं और इस साल भी हमारे आधे से ज़्यादा बैच जो है वो 90 अबव है. तो आपको मैंने एक वीडियो बनाई भी है और वो वीडियो में मैंने पूरा रिज़ल्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन करा है अपने प्यारे बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने एक सवा साल की मेहनत में आज ये रंग दिखाया. मैंने अपनी पूरी फैकल्टी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ DSE टीम को. तो आप भी वो वीडियो अगर अभी आज तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें उस वीडियो को, जिसके अंदर हमने रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया है अपने कोचिंग का. और आप उससे खुश हों कि अगले साल या दो साल बाद आपका भी ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा. तो लेट अस टेक योर जर्नी विद DSE क्लासेस. चलिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने, आप सबको पहला क्वेश्चन उतारना है. पहला क्वेश्चन है, मैं एक दफ़ा पढ़ूंगी आप लिखते जाइए. अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा यानी वेवलेंथ इक्वल टू 4×10⁻⁷ मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस. द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए है द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, सी है वेलोसिटी ऑफ द फोटोन. तो फिर से मैं आपको एक दफ़ा पढ़ूंगी, आप लिखते जाइए जल्दी जल्दी ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल अपन इस सेशन में कंप्लीट कर लें. A photon of wavelength 4×10⁻⁷ meter strikes on metal surface. Strikes on metal surface. The work function of a metal is 2.13 electron volt. Calculate the energy of A, the photon in electron volt. B, kinetic energy of the emission. C, velocity of the photon. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू प्लीज़ कंटिन्यू राइटिंग एंड फिनिश योर राइटिंग वर्क. तो अपन इसको साथ अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उठाते हैं. सबसे पहले अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें उसमें ये देखना पड़ता है कि हमें दिया क्या क्या है ना. तो हम उन चीज़ों को अलग से लिख लेते हैं. हमेशा से आप सबकी आदत है कि वेवलेंथ हम ले रहे हैं 4×10⁻⁷ मीटर. ठीक है, ये जब टकराई आके मेटल सरफेस से तो वर्क फंक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन जिसे कहते हैं मेटल का, वो है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन यानी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि आपको समझाया था. फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ, जब एनर्जी ऑफ रेडिएशन आके किसी भी मेटल सरफेस पे आके टकराती है तो वो एनर्जी दो पर्पस के लिए होती है. एक पर्पस जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं अपन वर्क फंक्शन, या उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके बाद जो एनर्जी होती है वो होती है एनर्जी ऑफ मूवमेंट. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक और नाम बताया गया था वर्क फंक्शन. तो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी भी दी हुई है, वर्क फंक्शन जिसे कहते हैं यानी जिसका सिंबल था अगर आपको याद हो H mu naught था, वो हमें दिया हुआ है 2.13 ev,
यानी 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो हमें दे दी गई है। इसके बाद हमसे मांगा क्या गया है, हमसे मांगा गया है एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन यानी एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये हमसे मांगा गया है। एनर्जी ऑफ फोटोन मांगी गई है, फिर काइनेटिक एनर्जी भी मांगा गया है, और फिर वेलोसिटी। एक एक करके हम हर चीज़ निकालेंगे। जब क्वेश्चन करना है हमें, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता, जब तक आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो क्या है, फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम है इसका, दिस इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अपन ने पढ़ा था इक्वल टू एच म्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। एच म्यू को जब इधर ले आए थे तो ये फॉर्मूला बना था। चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे आपने पढ़ा था कि एच म्यू जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ अपन ने एच म्यू को इधर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। अब जब पहला आपका जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि फोटोन की द फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। किसकी, फोटोन की एनर्जी चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आई वॉन्ट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ आई कैन डिटेक्ट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज एच म्यू। एच म्यू नॉट मुझे दिया हुआ है 2.13, है ना, और एनर्जी ऑफ रेडिएशन मुझे निकालनी है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन आई हैव टू डिटेक्ट, बट इस फॉर्मूले के बदले मुझे वेवलेंथ भी दी हुई है। वेवलेंथ अगर दी हुई है तो आप जानते हैं मैक्स ब्लैंक इक्वेशन कहता है कि एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो एच म्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूँगी बहुत ईजीली, ई इक्वल टू एच म्यू यानी एच सी बाई लेमडा। इससे आराम से निकल जाएगा। एच की वैल्यू हम सब जानते हैं 6.626 इंटू 10^-34 है। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप सब जानते हैं 3×10^8 है। ठीक है, ये हमारी मीटर पर सेकेंड में होता है, ये हमारा जूल इंटू सेकेंड में है। वेवलेंथ आपको ऑलरेडी मीटर में दी है तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। 4×10^-7 मीटर। तो ये सब हमें दिया हुआ है, मतलब हमें जूल इंटू सेकेंड में एच पता है, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट वी नो, और ये हमें पता है। अभी हम टाइम को अपने बचाएंगे और हम अभी कैलकुलेशन यहाँ नहीं करेंगे। तो इसके कैलकुलेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो कैलकुलेशन से इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो हमारा अभी जूल में आ रहा है। तो जूल में हमारा आंसर आ रहा है 4.96 इंटू 10^-19 जूल। तो अभी फिर से मैं आपको समझाऊंगी पहला स्टेप, क्योंकि हर चीज़ को समझ के करोगे तो आप अपने आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे बहुत ही इजीली। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि सबसे पहले आपसे उसने मांगा एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी ले आएंगे बाद में। पहले हमारे पास एच तो जूल में है बेटा, और मीटर पर सेकेंड में जो वैल्यूज हमें याद है, हम परेशान नहीं हुए, हम उसको तो वैसे ही लाएं तो हमारा आंसर तो जूल में आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा जूल में आ गया, तो यहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं हुआ क्योंकि ये आंसर मेरा जूल में आ चुका है। लेकिन मुझे बताया गया है और मुझे पता भी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602×10^-19 जूल होते हैं। और मुझे ये बात भी पता है कि यूनिट कन्वर्जन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बोर्ड एग्जाम। सुन लो आप अमीना मैडम की बात, आप, मैं बोल रही हूँ, टॉपर बन जाओगे। हर स्कूल का टॉपर अपनी क्लासेस का है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नाम नहीं बताऊंगी स्कूल्स के, लेकिन हर स्कूल का टॉपर जो अभी रिजल्ट आए हैं, बड़े बड़े स्कूल्स के टॉपर जो हैं अपने डीएससी क्लासेस के हैं। 97% अपने डीएससी क्लासेस में बच्चों की आई है, 96% 95% भरे हुए हैं ये चीज़, जो अच्छे से बड़े बड़े स्कूल में ऐसी परसेंटेज नहीं आती जो डीएससी क्लासेस में आई है। ये बात समझ लो। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, इतने पुराने गाग यहाँ बैठे हैं कि उनको पता है कि पेपर में क्या लिखना है। ये लिखोगे तो नंबर मिलेगा, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। कहाँ आधा नंबर कट रहा है, कहाँ
तट रहे सब कुछ वो आपको एग्ज़ाम से पहले बता देते हैं, समझ जाओ ये बात। तो इसीलिए मैंने बता रही हूँ आपको कि स्टेप कि ये जूल में ही लाओ, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं करना हमें। फिर आप अपनी जो कन्वर्जन है उसको आप लिखोगे, आप जानते हो कि जो कन्वर्जन है हमारा वो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10^-19 ऑफ जूल। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे इतने जूल होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके इतने सारे जूल हैं। आपको जूल से जब इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से, लेकिन अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करोगे इस नंबर से, ये आपको पता है अच्छी तरह बात। तो अब मैं इस जूल को, क्योंकि मुझसे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगी है, तो अब मैं लिखूंगी ए करके एनर्जी, अपन ए ही सॉल्व कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर ए लिख दिया क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है मुझे। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 4.96 इंटू 10^-19 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10^-19। तो ये जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अभी ए पॉइंट हुआ है, जल्दी से आप उसको लिख लें ताकि अपन फिर आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन में, आगे जो जो पूछा है वो हम बताने वाले हैं आपको। इतना आप जल्दी से कंप्लीट कर लें ताकि हम फिर आगे अपन क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने एनर्जी निकाल ली फोटोन की। अब मुझसे पूछा जा रहा है बी पार्ट। बी पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज दैट दे आर आस्किंग मी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन। काइनेटिक एनर्जी इमिशन का कितना है वो मुझसे अब पूछा जा रहा है। मेरे पास फॉर्मूला है जो कि कहता है कि अगर HμU आपके पास है, ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, ये HμU आपने निकाल लिया है 3.41, HμU नॉट आपको ऑलरेडी जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं 2.13 दिया हुआ है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इमिशन की आ जाएगी। आया समझ? तो वेरी इजी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन अगेन वी विल राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Hμ - Hμ0। ये मेरा फॉर्मूला है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी जब ले रही हूँ बेटा, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन मुझे मिली है 3.41, उसको मैंने माइनस कर दिया, क्या है आपका वर्क फंक्शन Hμ0 आपको मिला है 2.13 मिला है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन जो आपका है उसका आंसर आपके सामने है 3.41 माइनस 2.4, मतलब उसको आप जूल में भी कर सकते हो, वरना आप उसको 3.41 नहीं है बल्कि वो 3.10 है, सॉरी 3.10 है वो, कोई टेंशन नहीं है उसको, अपन 3.10 कर देंगे यहाँ पर आप 3, और वो तो इसमें क्या होता है कभी अगर आपके इधर उधर डिजिट है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। तो इसको जब आप माइनस करोगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आपके पास एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है आपकी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे जूल में करना है, तो अब वो बच्चे के लिए बहुत ही सिंपल काम है, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में क्या करते हैं और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्या करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन का। जल्दी से आप इसको भी लिख लें ताकि हम लास्ट पार्ट करें क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया है हमसे कि निकालो वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। द लास्ट पार्ट हमसे पूछा गया है डिटेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी जो कि आपको बहुत ज़रूरी है मालूम होना। अब आपका सी पार्ट जो है, ये हमारा सी पार्ट है, इसमें हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द फोटोन लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है इक्वल टू 1/2 mv². वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को हटाया है, तो जो फोटोन की जो
वेलोसिटी होगी उसमें जो मास लेंगे हम वो इलेक्ट्रॉन का लेंगे, क्योंकि फोटोन ने अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ दी फोटोन मांग रहे हैं या वेलोसिटी ऑफ दी, आप देखो क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी ऑफ दी फोटो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसको ठीक करो, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन मांगा जा रहा है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है उसकी वेलोसिटी मांग रहा है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। हमसे वी स्क्वायर मांग रहा है, तो वी स्क्वायर हमारा क्या होगा फॉर्मूला, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम। इतना आप लिखो जल्दी से ताकि अपन इसको सब्सटीट्यूशन करें इसका, ताकि इजीली हम फिर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम। अब फोटो इलेक्ट्रॉन में मास 9.1 इंटू 10^-31 होगा, काइनेटिक एनर्जी आपने, अच्छा मास आपका केजी में होगा। अब हाँ बहुत ध्यान से देखना है कि जो मास हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वो केजी में है, और मैंने तुम्हें बताया था कि एनर्जी में जब तुम जूल लेते हो जूल में केजी आता है, और यहाँ पर एनर्जी तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकाली है, इसलिए तुम्हें एनर्जी को भी जूल में कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी को, ताकि इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अभी यहाँ पर अपन थोड़ा सा यहाँ पर अपन मिटा के लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी तरह दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप जो है आपका आखिरी वाला, ये अपन इस साइड कर रहे हैं, और आप अच्छी तरह देखेंगे कि कैसे मैंने उसको फिर से कन्वर्ट करा है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगी काइनेटिक एनर्जी को, तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी बेटा निकली है 0.97, क्या निकला है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगी जूल में, तो मैं जानती हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 इंटू 10^-19 जूल होता है ना। तो इस तरह से मैं अपन आंसर, अभी टाइम बचाएंगे आंसर को, मतलब डिटेक्ट करने के लिए अपन के पास टाइम बचेगा, तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन जूल में आ रहा है 1.55 इंटू 10^-19। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का आंसर है, 1.55 इंटू 10^-19 जूल। ठीक है बेटा, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का आंसर हो गया जूल में। अब क्योंकि मेरी काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई है, तो मास भी मैं केजी में ले सकती हूँ। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू काइनेटिक एनर्जी जूल में, ये हो गया ओके, डिवाइडेड बाई वी सॉरी एम, एम हमारा आएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10^-31। इस तरह से जब मैं लूंगी अपना वी स्क्वायर, तो मेरा वी स्क्वायर आ रहा है 0.36 इंटू 10^12, 0.36 इंटू 10^12। और आप बहुत ध्यान में रखो, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है जब 11th में हम आते हैं, कि 10th में हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं करा होता। ये कोर्स की प्रॉब्लम है कि 9th में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं और 10th में आपके पास न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन जब आप 11th में जंप करते हो आके, तो आपके पास न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स को सिस्टमेटिक वे में, जब भी मैं देखो अलग से पूरा सेशन ले रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वरना बुक में एक दो दिए हुए हैं खाली, मैं एक दो करवा देती, वैसे भी मैं दो एक करवा ही चुकी हूँ आपको पहले, बट मैं पूरा सेशन ले रही हूँ ताकि आपका फोबिया ख़त्म हो जाए न्यूमेरिकल से, और आप न्यूमेरिकल स्मूथली करते जाओ। तो अब जैसे इसको अगर किसी को जैसे वी स्क्वायर में आ रहा है, उसको उस बंदे को वी में निकालना है, तो क्या मैं इसको, अगर मैं अंडर रूट ले रही हूँ वी निकालना है, तो मैं अंडर रूट लूँगी। अगर मैंने इसको 36 इंटू 10^10 ले लिया, तो कितना आसान मेरे कैलकुलेशन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करा मैंने, मैंने डेसिमल को शिफ्ट करा दो, तो यहाँ जब डेसिमल राइट हैंड पे शिफ्ट होएगा तो पावर घट जाएगा, दो घटना यानी 10^10। अब 36 का हम सब जानते हैं कि 6 होता है, और 10^10 का 10^5 होता है, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आ गई, ये आपका आंसर आ गया, और आपके कैलकुलेशन भी बढ़िया हो गए। तब आप जल्दी से ये काम कर लें कि आप पूरा कंप्लीट लिख लें, ताकि अपन आगे अपनी जर्नी बढ़ाएं न्यूमेरिकल्स के लिए, जल्दी से कर लें फटाफट, शाबाश। सो आई होप कि आपने फिनिश कर लिया होगा अभी तक। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपका मैं नीचे का दे रही हूँ आपको, ताकि आप जल्दी से उसको लिख लें, ताकि अपन आगे बढ़ें।
ठीक है। तो आप हर न्यूमेरिकल में देख रहे हैं बेटा, तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होए। सिर्फ न्यूमेरिकल में आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जब से मैं करवा रही हूँ न्यूमेरिकल मैं यही आपको समझा रही हूँ। एक तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जो भी यूनिट कन्वर्जन करवा रहे हैं उनको बॉक्सेस में आप लिखते जाइए, ताकि आपके यूनिट कन्वर्जन जो हैं बहुत ही अच्छी तरह क्लियर तरीके से आपके मन में आ जाएं और आप समझते जाएं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको फॉर्मूलाज बाई हार्ट याद होना चाहिए। जिस बच्चे को फॉर्मूलाज याद है उसके हर न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जनरल है, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ अपन जनरल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अपन खाली फोटोइलेक्ट्रॉन इफेक्ट के ही क्वेश्चन करें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ बगैर फोटोइलेक्ट्रिक का। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, क्वेश्चन है जनरल जो अपन ने पढ़ा है अभी तक। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर, विथ अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पीएम, व्हाट इज पीएम, पिकोमीटर, दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए लाइट के जिनकी वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है, जो कि प्रोवाइड करता है हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हैं क्या मांगा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी कितनी है 1 जूल है, और वेवलेंथ कितनी है 4000 पिकोमीटर है। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे फॉर्मूला कि यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला यहां लगेगा, आंसर में हम लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। अब एनर्जी उसने मुझे 1 जूल दी है, तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स उसने मांगे हैं, तो इसे एन ही रहन दो। एच हमें पता है, रटा हुआ है हमें 6.626 इंटू 10^-34 फोटोन, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हमारा मीटर पर सेकंड में है, ये हमारा जूल इंटू सेकंड में है। तो हम जानते हैं कि अगर ये सब ऐसा है तो पीकोमीटर को भी मुझे काय में कन्वर्ट करना है बेटा, पीकोमीटर को भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं 4000 पीकोमीटर को, एक पीकोमीटर में 10^-12 ऑफ मीटर होते हैं, नहीं पता है तो अलग से आप लिख लो, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ मैं कि एक पीकोमीटर में -12 ऑफ मीटर होते हैं। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, इस तरह से हम n निकाल लेंगे, समझ गए। तो ये 4000 इंटू 10^-12 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10^-34 इंटू 3 इंटू 10^8। बस इससे हमारा मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जैसे ही आ गए वैसे ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके आ रहे हैं 2 × 10^16 फोटॉन्स, 2 × 10^16 फोटॉन्स, ठीक है बेटा। तो अब आप जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करें। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना, सब क्वेश्चन एक से एक मर्ज हैं। जिसको नॉलेज ये नहीं आती उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं आता, क्योंकि एनर्जी ऑफ रेडिएशन निकालना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये स्पेसिफिकली एनर्जी ऑफ रेडिएशन का ही न्यूमेरिकल है। तो जल्दी से इसको भी पूरा कर लें, आप कंप्लीट करिए जल्दी से क्वेश्चन को फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद वाला भी। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हो गया ये वाला। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी जर्नी ले जाते हैं। अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, उसमें भी एक अच्छा सा
मतलब एक नया वर्ड आप यूज करेंगे जो आपको लगेगा कि नया है, बट वो करने के लिए अपन को यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अपन यहाँ पर लगा रहे हैं। तो हर न्यूमेरिकल जो है एक छोटा सा नया मैसेज दे के जाता है हमें। जो बच्चे वो सारे मैसेजेस को अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, वो न्यूमेरिकल के अंदर सबसे बेस्ट होंगे जो न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे अभी रिकॉर्ड है अपनी क्लासेस का, हर साल अपनी क्लासेस में मतलब नंबर क्या, इस दफ़ा भी जो हाईएस्ट बच्चा है उसके 99 आए हैं केमिस्ट्री में, सोचो आप। और मैंने उसको उसी वक्त बोला था कि भैया तेरे कैसा गया पेपर, बोली कि एक मेरा सिली मिस्टेक हो गया है, सिमरन गुप्ता, एक मेरी सिली मिस्टेक है। उस बच्चे को ये बात पता थी, उस बच्चे को ये बात पता थी कि मेरे एक सिली मिस्टेक है मैडम, मेरा एक नंबर कट जाएगा। और आज जब रिजल्ट निकला, जिस दिन रिजल्ट निकला है, दो दिन पहले, तीन दिन पहले, तो उसका एक ही नंबर कटा है। ये होती है स्पेशलिटी बच्चे की, 99/100 इन केमिस्ट्री, 99/100 इन मैथमेटिक्स, कैन यू इमेजिन, 99 इन हर ऑप्शनल सब्जेक्ट, 95 इन फिजिक्स, क्या नंबर है बेटा। और ये क्लासेस का रिकॉर्ड है, हर साल यहाँ के बच्चे ऐसे ही नंबर ला रहे हैं, ऐसे ही नंबर ला रहे हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। लेट अस स्टार्ट राइटिंग। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, लेमडा, लेमडा लिख दो वेवलेंथ को, ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज सोडियम एटम ओके कैलक्युलेट दी आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल, बड़ी अच्छी क्वेश्चन है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। जल्दी से पूरा कर लें क्वेश्चन को, फटाफट लिखना ताकि अपन साथ कर लें इसको, इसका आंसर अपन साथ ढूंढेंगे। ओके चलिए अब हम आ रहे हैं इस क्वेश्चन को समझाने। पहली बात तो यहां पर वेवलेंथ हमारी 242 नैनोमीटर है। हम सब जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में 10^-9 ऑफ मीटर होते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, है ना। तो अगर हम ये सब, हम लोग ये सब बात जानते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन बहुत स्मूथली अभी होने वाला है। क्या कह रहा है, रेडिएशन आ रहे हैं जिनका वेवलेंथ 242 नैनोमीटर है, ये रेडिएशन सफिशियंट है, किस चीज़ के लिए सफिशियंट है, टू आयोनाइज सोडियम एटम, सोडियम एटम को आयोनाइज करने में। ये नई बात है, ये नई लाइन है, इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब सोडियम एटम को आयोनाइज करना, इसका मतलब ये है सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना, सोडियम एटम को Na को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो सबसे पहले लिखेंगे टू आयोनाइज सोडियम एटम, पहले ये मतलब समझो, लिखो कॉपी में, टू आयोनाइज सोडियम एटम मींस टू कन्वर्ट Na इंटू Na पॉजिटिव,
कैसे एने एने पॉजिटिव में जाएगा, दिस इज एने, ये हमें एने पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना सोडियम में से, इसे कहते हैं टू आयोनाइज सोडियम एटम। तो कह रहा है कि वेवलेंथ 242 नैनोमीटर आई, टकराई, वो काफ़ी थी कि सोडियम एटम को में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के उसको एन ए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। कह रहा है कैलकुलेट दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। इस वाले उससे परेशान नहीं होना, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर आपको डाउट है तो आपने कॉपी में अलग से लिख लें, आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हटाने वाली एनर्जी। तो हमें एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यानी हमें नॉर्मल एनर्जी चाहिए जिसका फॉर्मूला है HcL, वही तो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो E=Hcλ ही निकालना है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, ये है असल बात, ये चीज़ छोटी छोटी दिखती नहीं है हमें, और आपको यही स्पेशलिटी मैं देती हूँ जिससे आपको केमिस्ट्री में आप डेप्थ पकड़ते हैं। कैलकुलेट दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल, पर मोल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, समझ आई। ये है बेटा ऑनेस्टी सिस्टम की, मैं सही बता रही हूँ। आप कहोगे मैडम आप अपनी बात क्यों कर रही हैं, क्योंकि आपको बताना चाह रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे ये बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ख़त्म करना मेरे हाथ का ये खेल था, मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैं सब कुछ कर देती, आप बड़े खुश होते। मैं आपको एक और दो न्यूमेरिकल जो NCERT में थे वो बता देती, आप मुझे पॉइंट आउट कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने तो NCERT क्वेश्चन करवा दिए हैं। बट ये जो इतना मैं एक्स्ट्रा आपको दे रही हूँ हर टॉपिक में, ये है ऑनेस्टी मेरी और मेरे टीम की। इतना बच्चों को एक्स्ट्रा दिया जाता है कि बच्चा उस चीज़ में मच जाता है, उसको दिमाग में बैठ जाता है कि क्या पढ़ रहा है वो, बस जभी तो वो टॉपर बनता है। तो मुझे चाहिए एनर्जी कायम है किलो जूल पर मोल में, मतलब मुझे एवोगैड्रो नंबर की एनर्जी चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर होएगा वही जहाँ पर एन भी लगेगा, NHc/λ, समझ आई। इसका मतलब ये है कि जब एनर्जी मैं निकालूंगी तो एन यहाँ मेरा होएगा पर मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर, आई बात समझ। मेरा एन क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 × 10²³। एच मेरा क्या होगा, ब्लैंक कांस्टेंट जो मुझे रटा हुआ है, जूल इंटू सेकेंड में। वेलोसिटी ऑफ लाइट मैं जानती हूँ कि 3 × 10²³ मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ जो मेरा है वो मुझे नैनोमीटर में है, तो मुझे मीटर में करना पड़ेगा, जो कि 10⁻⁹ मीटर। अब ये छोटी सी बात लग रही है लेकिन बहुत बड़ी बात है, जिसको ये नहीं पता कि एन यहाँ लगाना है वो बच्चा यकीन गलती करके आएगा। तो इसका आंसर जो हमारा आ रहा है, पहले हमारा आंसर इसका आएगा बेटा जूल में आएगा, यानी इसका आंसर पहले आएगा 4.9 × 10²⁵, 4.9 × 10²⁵, ये आएगा जूल पर मोल में, ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन हमसे आंसर काय में पूछा गया, हमसे आंसर पूछा गया है किलो जूल पर मोल में, तो हम इसको जूल से जब किलो जूल में करेंगे तो आप सब जानते हैं कि हम इसको डिवाइड करेंगे काय से, 1000 से। तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 4.9 × 10²² किलो जूल पर मोल। हर न्यूमेरिकल एक नया मैसेज देके आ रहा है, एक नया पॉइंट लेके आ रहा है। अगर सारे पॉइंट्स आपने समअप कर लिए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो जल्दी से आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका, जिसको सॉल्व करके आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, ठीक है। चलिए आगे अपनी जर्नी अपन बढ़ाते हैं, जर्नी बढ़ाते में हम फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन अब हम आपको दे रहे हैं अभी। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कितने भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको, इतने करवा रही हूँ, इसके बावजूद भी आपको मुझे लगता है कि और क्वेश्चन उठाइए कोई सी भी रिफ्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया था यू कैन टेक दिनेश, एक अच्छी किताब है जो CBSE प्रीफर भी करता है, आप प्रदीप ले सकते हैं, आप ABC है, कॉम्प्रेहेंसिव है, बहुत किताबें हैं, मैं कोई एक पर्टिकुलर किताब आपसे नहीं कहूँगी, आपको जो अच्छी लगे आप ले लें, और उसमें आप और चाहें तो न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहें आप कर सकते हैं।
और आप देखना जितनी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बेटा करोगे उतने ही आप न्यूमेरिकल का फोबिया आपके अंदर से जाएगा और उतने ही आप केमिस्ट्री में परफेक्ट और बहुत बैलेंस होके चलोगे। ठीक है बेटा, तो अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो क्वेश्चन ये है, चलिए लिखते हैं। अ 25 वोल्ट बल्ब क्वेश्चन, अ 25 वॉट बल्ब इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57, इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। वेरी गुड क्वेश्चन, ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। बस ये मतलब नहीं है कि मैं क्वेश्चन आपको करवाए जा रही हूँ और आप उनकी प्रैक्टिस खुद नहीं कर रहे, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है। ये आपको एक नई यूनिट मिली है इस क्वेश्चन में, माइक्रोमीटर। इसको नहीं पता कैसे पढ़ना है तो आप इसको माइक्रोमीटर लिख लें कहीं। और ये भी याद रखें कि एक माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में 10^-6 ऑफ मीटर होते हैं। ठीक है, सो ये आपको नॉलेज है अगर, तो चलिए एक दफ़ा क्वेश्चन अपने आप पढ़ें जल्दी से। एक 25 वॉट बल्ब था जिसने लाइट वेवलेंथ इतने की इमिट करी है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पूछ रहा है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। ये बहुत आसान चीज़ है लेकिन ये वर्ड बहुत अजीब सा लग रहा है, रेट ऑफ इमिशन। सुनेंगे ऐसी बातें थोड़ा सा अपन घबरा जाते हैं, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड क्या मतलब है? रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड यानी नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड को ये कहा जा रहा है। तो वी कैन स्टार्ट राइट, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ओके, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। इसका पहले भी मैंने आपको दिया था, आप एक दफा रिकॉल करेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला आपके टीचर ने दिया था आपको, जो कि इक्वल था पावर अपॉन एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो पावर हमें दिया हुआ है उसमें, ये पावर की यूनिट है 25 वॉल्ट, और एनर्जी ऑफ रेडिएशन वही एच सी बाई लेमडा करके हम निकाल लेंगे जो कि बहुत इजी है अभी। तो पावर हमारे पास 25 है और एनर्जी ऑफ रेडिएशन हम फटाफट निकाल लेंगे, चाहें तो अलग से निकाल लें पहले हम एनर्जी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच हमारा हम जानते हैं 6.626 × 10^-34। वेलोसिटी ऑफ लाइट आई हैव 3 × 10^8 और वेवलेंथ मेरा जो है वो 0.57 × 10^-6 मीटर। जब मैं ये पूरा डिवाइड करूँगी और मैं देखूँगी इसका, तो इसका आंसर जो भी मेरे पास आ रहा है वो अलग से मैंने आंसर नहीं निकाला है, बट वो 7.6 मतलब ये जो आंसर है ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन ये नीचे आएगा और इसी का आप ऊपर मतलब ये पावर लिख दें अगर 25 डिवाइडेड बाय ये जो चीज़ है ऊपर आ जाएगी नीचे वाली, यानी 0.57 × 10^-6 है ना,
और ये इससे डिवाइड कर देंगे अपन इसे, ठीक है। तो पावर ऊपर है एनर्जी ऑफ रेडिएशन में, ये आपका नीचे है, ये ऊपर चला गया। तो आपका इसका आखिरी आंसर मैं बता रही हूँ, बाकी सारे कैलकुलेशंस अपने आप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि परफेक्ट हो जाओ फाइनल आंसर में भी। तो इसका आंसर आ रहा है 10^9 फोटोन्स। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपने सेशन में कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे। इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद मैं पक्का बात आपसे कह सकती हूँ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, और इस तरह से आप और भी क्वेश्चन करोगे, आपको जो डाउट हैं आप और पूछ सकते हो। अगली क्लास में अगर मुझे लगेगा तो मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपको और दे दूँगी, और फिर अपन स्पेक्ट्रा, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें लेके अगली क्लास में आपके पास आ रहे हैं। तो जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टडी, एंड थैंक गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बाय।